जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज और आज आपके बीच हिंदी के एक और टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है छंद। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रस के बारे में जाना था और रस को हमने बहुत अच्छे तरह से आपको समझाने की कोशिश की थी और हमें उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से समझ में भी आया होगा। दोस्तों, आपको पसंद आया या नहीं आया इसको कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो हमारा कौन सा है, हिंदी, और हिंदी का टॉपिक क्या है हमारा, तो वो है छंद। दोस्तों, ये छंद शब्द ऐसा है जो हम लोग बहुत कम सुनते हैं। आखिर ये शब्द है कैसा और ये आया कहाँ से? दोस्तों, ये संस्कृत के एक चद नाम के शब्द से लिया गया है और संस्कृत में जो चद शब्द है उसका अर्थ होता है आहदित करना। आहदित मतलब क्या होता है, खुश करना, किसी को खुश कर देना। और जो ये छंद का निर्माण जो किए थे वो व्यक्ति कौन थे, ऐसा कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था पिंगल महर्षि। पिंगल ऋषि ने ही संस्कृत के चद शब्द को हिंदी में लाकर छंद बना दिया। और उन्होंने इसका प्रयोग क्यों किया, ये कार्य उन्होंने क्यों किया, इसलिए किया जब वो पद की रचना कर रहे थे तो उन्हें पद लिखने के लिए उन्होंने छंद का रचना किया था। दोस्तों, ये पद लिखने के लिए कब इसका निर्माण किया गया, तो ये बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि आप समझ पा रहे होंगे ये ऋग्वेद के समय की बात है, यानी कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था और व्यक्ति जो इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया था वो व्यक्ति थे पिंगल महर्षि। दोस्तों, अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो वाल्मीकि जी ने जब उनके इस छंद को देखा को और विस्तार दिया जाए, उन्होंने क्या किया कि छंद पिंगल ऋषि के छंद को लेकर एक छंदमाला बना दिया। जैसे आप वर्णमाला का नाम सुने होंगे उसी प्रकार छंदमाला जो कि हमें पढ़ना पड़ता है और हम जो याद करते हैं वो सभी किसके बनाए हुए हैं, तो वो महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए हैं जिन्होंने छंद को छंदमाला बना दिया। तो इसी तरह इसीलिए कहा जाता है कि जो वाल्मीकि हैं वो छंद के दूसरे उल्लेख करता है। चलिए दोस्तों, इससे और जो जानकारियां हैं मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जो छंद होता है इसमें गणों की संख्या 8 होती है और एक गण में वर्णों की संख्या 3 होती है। आपसे पूछता है कि एक गण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो 3 होती है और गणों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। ये 8 गण क्या होते हैं, ऐसा तो कोई हम लोग शब्द नाम नहीं सुने हैं। ये गण जो होते हैं वो 8 होते हैं, किस में, मात्रिक छंद में। जैसे यगड़, तगड़, मगड़, रगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। आपको इस तरह के नाम देख के थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा है कि ये नाम याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। दोस्तों, आपको इसको याद नहीं करना है, आपको बस एक शब्द याद रखना है, वो क्या, यमाता राज भानस। इसके साथ आप एक और चीज़ लगा सकते हैं, लगा, यमाता लगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये यमाता राज भानस क्या है, तो य से यगड़, म से मगड़, त से तगड़, र से रगड़, ज से जगड़, भ से भगड़, न से नगड़, ठीक है, और स से सगड़। दोस्तों, ये सोच रहे होंगे कि य माँ है तो मागड़ नहीं होगा, बल्कि ये तो आपको याद करने के लिए इसमें आ की मात्रा को लगाया गया है। गणों में जो वर्णों की संख्या होती है वो 3 ही होती है। आप देख सकते हैं यगड़ में कितने वर्ण हैं, तो 1, 2, य, ग, ड, कितने हैं, 3, म, ग, ड, कितने हैं, 3, यानी कि सभी वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 3 ही होती है। किस में, एक गण में, यानी प्रत्येक गण में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है। चलिए देखते हैं इसके अगले टॉपिक को। जैसे दोस्तों, छंद के अंग, अब पूछा जाता है कि छंद के अंग कितने हैं और छंद के प्रकार कितने हैं। प्रकार की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके अंगों की। दोस्तों, छंद के जो अंग होते हैं वो 5 होते हैं, कौन कौन से, मात्रा, यति, गति, तुक और गण। आप सोच रहे होंगे यति, गति, तुक, गण ये सब हैं क्या, मात्रा तो आप समझ रहे होंगे। जैसे मात्रा खुद लिखा गया है तो इसमें पूछा जाए किस किस चीज़ का मात्रा लगा हुआ है, तो म में किसकी मात्रा लगा है, आ की, त्र में किसकी मात्रा लगा है, आ की, यही तो है मात्रा। आप समझ पा रहे होंगे मात्रा क्या होती है, जैसे र में आ की मात्रा रा, म में अ की मात्रा म, रा म, ठीक है, यही होता है आपकी क्या, मात्रा। दोस्तों, इसके बाद यति, जैसे कोई हम लोग दोहा पढ़ते हैं या चौपाई पढ़ते हैं तो बीच में थोड़ा सा रुक कर और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको तेज़ी से पढ़ने लगते हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुकुर सुधार, रज के पास हमने क्या किया, थोड़ा सा विराम लिया, उसके बाद निज मुनि मुकुर सुधार, उसके बाद तुरंत हम क्या कर रहे हैं, गति पकड़ ले रहे हैं। तो जो ये विराम चिन्ह होता है इसी को तो कहते हैं यति। अब इसमें पूछा जाए इस पूरे चौपाई में कितने यति हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक यति कहाँ है, रज के पास, और दूसरी यति कहाँ पर है, जसु के पास, ठीक है। इसमें कितने यति हैं, तो इसमें 2 यति हैं।
इसमें कितने यति हैं, तो इसमें कुल दो यति हैं। दोस्तों इसके बाद बात आती है गति की। ये गति क्या होता है दोस्तों, यति के पास रुकने के बाद तुरंत हम उस लाइन को पूरा पढ़ते हैं, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निजी मुनि मुकर सुधार, रज के पास रुक के फिर तुरंत हम क्या करते हैं, अपनी गति को पकड़ लेते हैं, इसी को तो कहा जाता है गति। कोई खास तो टॉपिक है नहीं। तुक क्या होता है दोस्तों, कोई भी काव्य या दोहा का रचना करते हुए इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि जो उसका तुक है वो हमेशा मिले, जिससे पढ़ने और सुनने में ये थोड़ा सा और सुंदर लगने लगते हैं। दोस्तों जैसे आपको दिख रहा हो श्री गुरु चरण सरोज रज निजी मुनि मुकुर सुधार, अब वरुण और रघुबर भीमल जो दायकु फल चार, दोनों सुधार और चार एक जैसे मिल रहे हैं आपको, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसी को तो कहा जाता है तुक मिलना। ठीक है, आप बहुत सारे फिल्म देख रहे होंगे, बहुत सारे गाना होता है जिसका पहला लाइन को जहाँ पर अंत दिया जाता है दूसरी लाइन को भी फिर वहीं पर लाकर उसी जैसे शब्दों पे तुक मिलाकर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बात है गण की। अभी आपको पीछे हमने बताया कि गण क्या होते हैं और ये कितने होते हैं, तो गणों की संख्या कितनी होती है, तो गणों की संख्या 8 होती है। बस एक चीज़ हमें याद रखना है, क्या, यमाता राज भानस लगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो ये है कि छंद के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों छंद के जो प्रकार होते हैं वो चार होते हैं, बहुत सारे पुस्तकों में ये आपको दो, किसी में तीन और किसी में चार दिखते हैं, लेकिन पूछा जाए कि कुल कितने इसके प्रकार हैं, तो चार, और मुख्य कितने प्रकार हैं, तो वो दो। कौन कौन से, मात्रिक और वार्णिक छंद। ठीक है, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। ये वर्णिक वृत्त छंद और मुक्त छंद जो बहुत सारे बुक में इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। दोस्तों ये जो मात्रिक छंद और वार्णिक छंद है वो हमें पढ़ना है और इसी को हमें याद करना पड़ता है। दोस्तों मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका मात्रिक छंद। वार्णिक छंद आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा यदि हम मात्रिक छंद को अच्छी तरह से समझ लें, और वार्णिक छंद से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं और ना ही इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वार्णिक छंद से भी आपसे प्रश्न को पूछ लिया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर मात्रिक छंद को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो वार्णिक छंद अपने आप क्लियर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार। दोस्तों मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, जो दोस्तों जैसे कि मात्रिक छंद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के, सम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक। अगर हमें ये याद हो जाए कि कौन से सम मात्रिक हैं, कौन से अर्धमात्रिक हैं और कौन से विषम मात्रिक हैं, पूरा का पूरा छंद जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सम मात्रिक छंद कितने होते हैं, तो एक दो तीन चार, अर्धमात्रिक कितने होते हैं वो भी चार, और विषम कितने होते हैं दो, बस 10। इस 10 को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो छंद है वो क्लियर हो जाता है। दोस्तों अब चलिए देखते हैं इसको कैसे हमें याद करना है। दोस्तों सम मात्रिक कौन कौन से होते हैं, चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। अर्धमात्रिक कौन से होते हैं, बरवे, दोहा, सोरठ और उल्लाला। और विषम मात्रिक कौन से होते हैं, तो कुंडलिया और छप्पे। कुंडलिया का निर्माण किससे होता है, दोहा और रोला से, और छप्पे का किससे होता है, तो रोला और उल्लाला को मिलाकर छप्पे का निर्माण किया जाता है। दोस्तों थोड़ा सा देख के आपको ये चौपाई के आगे 16-16 देख के थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि 16-16 क्या है, रोला 11-13, 14-12, 16-12, 12-7 ये सब क्या है। दोस्तों ये मात्राओं की संख्या है, यानी कि जो आप काव्य पढ़ रहे हैं उसकी अगर मात्रा को गिना जाए तो अगर उनकी मात्रा 16-16 की बन रही है तो उसे चौपाई कहते हैं, 11-13 की बन रही है उसे रोला कहते हैं, 14-12 की बन रही है तो उसे गीतिका, उसी प्रकार 16-12 को हरि गीतिका। दोस्तों अब सोच रहे कि कैसे हम लोग गिनेंगे, दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से हम लोग गिनते हैं। अब बात की जाए, सर्वप्रथम आप इन 10 छंदों को याद कर लें। अगर इस 10 छंद को याद कर लेते हैं तो पूरा पूरा छंद जो होता है वो आपको याद हो जाता है। अब सोचेंगे दोस्तों कि इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कि कौन सा हम याद किए, दोहा, कि दोहा क्या है, तो मात्रिक छंद, लेकिन ये क्या है, अर्धमात्रिक है या सम मात्रिक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। दोस्तों मैं एक छोटा सा नाम आपको बता रहा हूँ, अगर इस नाम को आप याद कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मात्रिक छंद के जो 10 छंद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और बस आपको याद क्या करना है, तो याद यही करना है कि 10ों जो ये छंद हैं ये किसके हैं, तो ये मात्रिक छंद के हैं। अगर आपसे ये नहीं याद होता है कि कौन से सम मात्रिक हैं, कौन से अर्धमात्रिक हैं, कौन से विषम मात्रिक हैं, तो कोई ज़्यादा खास आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये याद करना बेहद जरूरी है कि जो 10ों छंद हैं वो मात्रिक छंद के प्रकार हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात की जाए,
चौपाई, ये याद कैसे करें। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने का एक अच्छा ट्रिक क्या है, जैसे सबसे विषम मात्रिक आपको पहला दिख रहा होगा कु, दूसरे में दिख रहा होगा छ, दोस्तों इससे हम बना सकते हैं एक शब्द क्या, कुछ। उसी प्रकार अर्धमात्रिक के लिए हम क्या बना सकते हैं, कुछ दोष बहुए, कुछ दोष बहुए, दो दोहा में दो, सोठम में सोरठ में सो, ठीक है, अब से बरवे और उ से उलाला, कुछ दोष बहुए, ठीक है। तो क से कुंडली, छ से छप्पे, द से दोहा, स से सोरठ, ब से बरवे और उ से उलाला, कुछ दोष बहुए। इस एक सब्जी का नाम है, वो है गिरवच, ठीक है, क्या नाम है उसका, गिरवच, जो पत्तियों का गोल गोल करके बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गिरवच। दोस्तों ग से उसका क्या हो जाएगा, गीतिका, गिर र, र से क्या हो जाएगा, रोला, और ह से क्या हो जाएगा, हरी गीतिका, और छ से क्या हो जाएगा, चौपाई, ठीक है। वहाँ पे छ के जगह पे आप च का प्रयोग कर सकते हैं, गिरवच कह सकते हैं। दोस्तों अब आपको याद करना आसान हो जाएगा, क्या याद करना, कुछ दोष बहुए गिरवच, कुछ दोष बहुए गिरवच, इस लाइन को अगर आप याद कर लेते हैं तो पूरा मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं आपको याद हो जाएंगे, कुछ कुंडलिया, छप्पे, दोष, दोहा, सोरठ, बहुए, बरवे, उलाला, चौपाई, किसमें आएगा आपका, तो वो गिरवच में, गीतिका, रोला, चौपाई और हरी गीतिका। आप मेरी बात को दोस्तों एक बार और से इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा, ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन इससे कैसे पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से उत्तर देंगे। दोस्तों पूछ देता है आपसे, गीतिका कौन सा छंद है, ऑप्शन दे देगा, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक या उभयच छंद, या जिसको हम लोग वृत्त वाला मात्रिक छंद भी कहते हैं। दोस्तों अब उसके बाद फिर से क्वेश्चन पूछ देगा कि सोरठ कौन सा होता है, तो हमें ये सभी के सभी क्या होते हैं, तो ये मात्रिक छंद के प्रकार होते हैं, यानी कि मात्रिक छंद तीन प्रकार के, और उसके जो तीनों प्रकार हैं उसके ये क्या होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है। अब जो अगली जानकारी आपको देना है वो ये है कि दोस्तों ये वार्णिक छंद क्या होते हैं। दोस्तों वार्णिक छंद कुछ नहीं होता है, बल्कि उसमें सिर्फ वर्णों की गणना की जाती है, और किस प्रकार की गणना की जाती है, तो आपको हमने बताया कि वर्ण कितने होते हैं, तो सिर्फ 8 होते हैं, और उन्हीं वर्णों की हमें गणना करना पड़ता है, तो वो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए उसे हम याद ना करके सिर्फ अगर इन 10ों को याद कर लिया जाए तो बाकी जो बच जाते हैं वो आपके वार्णिक छंद हो जाते हैं। आपको ये सब दिख रहे होंगे नाम, कौन सा, इंद्रवजा, उपेंद्रवजा, स्वागता, भुजंगी, उपजाति, शालिनी, दुत विलंबित, भुजंग प्रयात, वशस्त और लोटक, बसंत तिलिका, मालिनी, अरिल, मद्रकांता, शिखकर्णी, शार्दल विक्रीडित, ठीक है। ये जो सभी नाम जो हैं ये वार्णिक छंद के प्रकार हैं। दोस्तों इसीलिए मैं इन्होंने इसको क्या बोला मैंने कि इसको आप पढ़ेंगे तो ये काफ़ी लंबे हो जाएंगे, और इसमें अब आपको पकड़ना होता है कौन सा इंद्रवर्जा होगा, कौन सा उपेंद्रवर्जा, तो उसमें उसके लिए आपको गणों की संख्या गिननी पड़ेगी, और गण की संख्या के उपरांत आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कौन सी वार्णिक छंद है। दोस्तों ये काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछता है वो क्या पूछता है ये देखिए। दोस्तों पूछ देगा कि मालिनी कौन सा छंद है, मालिनी कौन सा छंद है, ऑप्शन आपको दे देगा, मात्रिक छंद, ठीक है, वार्णिक छंद, या उभय या मुक्तक छंद, ठीक है, चार ऑप्शन दे देगा। तो हमें पता है कि 10 नाम हम याद कर लिए हैं, वो किसके, मात्रिक छंद के, और इसमें मुख्य कौन होते हैं, तो मात्रिक और वार्णिक, ठीक है, तो यानी मात्रिक छंद को हम याद कर लिए, तो बाकी जो बचे वो क्या हो गए, वार्णिक छंद हो गए। अब पूछ दे बसंत तिलिका कौन सा छंद है, तो ये कौन सा छंद है, तो हमारा ये हो जाता है कौन सा, वार्णिक छंद, ठीक है। पूछ दे भुजंगी कौन सा छंद है, तो ये कौन सा छंद होगा, तो ये हमारा हो जाएगा आपका वार्णिक छंद। इसी प्रकार दोस्तों आपको देता है कि निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है, ऑप्शन तीन को ऑप्शन दे देगा, जैसे दोहा, सोरठ, बरवे, उलाला दे देगा, और एक आपको इसमें डाल देगा क्या, भुजंगी, ठीक है। अब आपको ये पकड़ना होता है कि इसमें कौन सा ऐसा छंद है जो कि मात्रिक ना होकर वार्णिक है, ठीक है। तो तीन आपके हो जाते हैं किससे, मात्रिक से, और एक हो जाते हैं वार्णिक से, और उस वार्णिक को आपको पहचानना होता है। अगर आपको 10 याद हैं वार्णिक, तो आपको मात्रिक अगर आपको 10 याद हैं तो वार्णिक छंद आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो बचे वो हमारा कौन सा हो गया, तो वो हमारा हो गया वार्णिक छंद, ठीक है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक था, इसलिए इसको हमने बहुत छोटे में करना चाहा।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि छंद के सर्वप्रथम उल्लेख करता तो पिंगल ऋषि, ठीक है। दूसरे कौन थे, तो वाल्मीकि जी, जिन्होंने किस चीज की रचना की थी, तो छंदमाला की। और पिंगल ऋषि ने छंदमाला का निर्माण किस लिए किया था, गद के लिए कि पद के लिए? दोस्तों याद रखना है, पहला नहीं दूसरा, पद के लिए, ठीक है। इन्होंने कब किया था, तो बहुत पुराने समय, कब की बात है ये, ऋग्वेद की समय की बात है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख कब मिला था, तो वो ऋग्वेद में मिला था। इसके बाद इसमें गणों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 8 होती है। और एक गण में कितने वर्ण होते हैं, तो वो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन को पूछा जाता है, और आपको बस इस चीज़ की जानकारी रखकर इसका उत्तर दे देना होता है। दोस्तों इसके बाद में कुछ चौपाई दे दिए जाते हैं, या कुछ आपको दो लाइनें लिख के दे दी जाती है, और पूछा जाता है कि बताएं ये कौन सा छंद होगा, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों जय हिंद।